नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन फार्मर चैनल में किसान भाइयों आज का सीन्स कुछ ऐसा है आप देख सकते हैं आज ये देख के कुछ आप समझ ही होंगे ये चीज़ आपके पास भी होगी तो आज हम स्प्रिंकलर के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं तो स्प्रिंकलर होता क्या है यूज़ कैसे होना चाहिए उसमें कोई मेन्टेनेंस है क्या उसमें खर्चा कितना आता है कहाँ कहाँ इसको दिक्कत आती है कहाँ अच्छे से ये चलता है वर्क करता है तो इसके बारे में हम लोग पूरी बात करेंगे तो किसान भाइयों ये वीडियो जो है पूरा अंत तक देखिए तो किसान भाइयों स्प्रिंकलर एक्चुअली होता क्या है तो स्प्रिंकलर होता क्या है जिस तरीके से बारिश का पानी ऊपर से गिर गिरता है बरसात में उसी तरीके से ये हम लोग कुएँ का पानी उठा के पाइप द्वारा स्प्रिंकलर द्वारा उड़ाते हैं इसको तो उसी तरीके से इसको स्प्रिंकलर कहा जाता है मतलब ये स्प्रिंकलर इरिगेशन है जैसे हम लोगों ने ड्रिप इरिगेशन के वीडियो किसान भाई हमारे चैनल पे पूरे हैं देख सकते हैं आप ड्रिप इरिगेशन के टाइप्स उसका फिटिंग आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो उसी तरीके से ये इरीगेशन मतलब स्प्रिंकलर इरीगेशन है ये इसमें भी काफ़ी टाइप्स हैं जैसे रेन गन होती है रेन गन क्या करती है कि पानी जो हम लोग उठाते हैं पाइप द्वारा वो लगा रहता है एक प्रेशर रहता है उसका सौ फीट डेढ़ सौ फीट पे जो है पानी इस तरीके से जैसे बंदूक होती है बंदूक जैसे गन मतलब ट्रिगर दबाते उस तरीके से धाएँ धाएँ बोलती है उस तरीके से जो है पानी दूर दूर तक फेंकता रहता है तो उसका भी एक एवरेज कवरेज एरिया रहता है इसका भी एक कवरेज एरिया रहता है मतलब रेन गन का क्या होता है बड़ी फसल जैसे हमारा गन्ना की फसल है हाइट में पानी उड़ा सकते हैं लेकिन इससे जो है हाइट में पानी नहीं उड़ा सकते किसान भाइयों इसके बाद इसमें और एक टाइप कौन सा है? स्पिंकलर आता है स्प्रिंकलर आता है माइक्रो स्प्रिंकलर आता है छोटा छोटे रहते हैं उसके बाद मिस्टर्स आते हैं छोटे छोटे फुवारे उड़ाते हैं उसके बाद फॉगर्स आते हैं तो फॉगर्स का यूज़ करना अलग जगह पर है मिस्टर का यूज़ अलग करना जगह पर लेकिन काम एक ही है थोड़ी चीज़ें बड़ी छोटी बड़ी है तो उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे फॉगर्स हुआ मिस्टर हुआ कहाँ पे कैसे यूज़ करना है आज तो हम इसकी बात कर रहे हैं वीडियो कंटिन्यू आप देखिए आपको फिटिंग के बारे में हर चीज़ के बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आज आपको जो है तो ये स्प्रिंकलर यूज़ कहाँ पे होना चाहिए क्यों होना चाहिए किसान भाइयों तो देखिए जहाँ पानी का जल स्तर जहाँ क्या अपने इंडिया में बरसाती देख रहे हैं दिन ब दिन कम होती जा रही है मानसून एकदम बिगड़ता जा रहा है तो हम लोगों को पानी की बचत करनी चाहिए क्योंकि जल ही जीवन है किसान भाइयों अगर पानी है तभी हम लोग चल सकते हैं आगे आगे बढ़ सकते हैं ग्रोथ कर सकते हैं प्रगति उन्नति कर सकते हैं तो इसको देखिए जहाँ पे जल स्तर नीचे नीचे होता जा रहा है वहाँ पे इसको यूज़ करने की कोशिश करिए हमारे कुछ एरिया में भारत में अवेयरनेस बढ़ भी चुकी है जैसे एम हुआ राजस्थान हुआ वहाँ पर अच्छा इसका यूज़ हो रहा है सोयाबीन की खेती में गेहूँ की खेती में और यूज़ इसका करना भी चाहिए क्योंकि इसका यूज़ करेंगे काफ़ी हमारी पानी की बचत होती है और उसके बाद फसल भी अच्छी आती है क्यों आती है मैं आपको बताता हूँ इसकी फीट जो इसके हाइट जो है साढ़े चार फिट की है इसमें अलग अलग भी हाइट का आता है पाँच फिट का आता है छोटा भी आता है जिस हिसाब से आपको फसल है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी फ़सल में आप यूज़ कर सकते हैं जो हाइट इतनी चार साढ़े चार फिट तक है चाहे आपकी जवार हुआ मक्का हुआ सोयाबीन हुआ चना हरभरा चना हुआ इस प्रकार के आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं तो किसान भाइयों मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा सबसे ज़रूरी बात क्या है जैसे बरसात होती है हमारे जून में जुलाई में बरसात के सीज़न में उस टाइम पे फसल देखिए एकदम टनाटन फ्रेश हो जाती है उसी टाइप से ये बरसात की तरह पानी ये गिराता जाता है तो पानी जब ऊपर से गिरता है तो पौधे के डिसीज हुए रोग हुए कीड़ हुए धुल जाती है और साफ़ सुथरा हो जाता है इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जब यूज़ करते हैं तो फसल अच्छी आती है मैं भी इसको यूज़ कर चुका हूँ कुछ दिन पहले मतलब कुछ दिन का साल हो गए पहले मैं सोयाबीन की खेती करता था तब इसका यूज़ करता था तो दोस्तों अब हम लोग इसके फिटिंग के बारे में बात करते हैं तो फिटिंग में इस कुछ ज़्यादा नहीं है तभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है ये हमारी मेन लाइन आई है कुएँ से जो है तीन इंच की मेन लाइन आई है ये जेन इरीगेशन की स्प्रिंकलर है ये जो है ढाई इंच की है पचहत्तर एम की है तो इसमें फ़िट कैसे करना है ये तीन इंची की पाइप है ये ढाई इंच की है अब दोनों कनेक्ट कैसे करना है तो यहाँ पे ये ये चीज़ आती है यहाँ पे पीछे इसको तीन इंची में सॉकेट फिट कर देना है और ये जो है स्प्रिंकलर का सेट आता है इसमें सीधा केवल इसको ऐसे फंसाना है तो ये एक एल्बो भी आता है ये एल्बो किस लिए आता है कि हमारे लोग का जो है जो ज़मीन से पाइप कभी कभी सीधी आती है तो उसको लगा के ऐसे सीधा ले जाना पड़ता है या तो इधर टेढ़ा मेढ़ा ले जाना पड़ता है इधर ले जाना पड़ता है इधर लेधर तो ये चीज़ आप एक्स्ट्रा चाहे जितनी ले सकते हैं आपके खेत में आप जिधर चाहे पानी ऐसे 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 घुमा सकते हैं तो इसकी अभी फिलहाल हम लोगों को ज़रूरत नहीं है यहीं पर चलाना है तो ये जो सेट है पूरा मैंने लाया है मतलब तीस पाइप का सेट है ये इसमें दस स्प्रिंकलर है तो मैं आपको आप तीन चार स्प्रिंकलर आपको लगा के दिखाता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है आठ दस घंटा ही लाइट रहती है आती जाती रहती है तो मैं आपको चार स्प्रिंकलर लगा के पूरा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ तो इसको फिट कह हम लोगों ने यहाँ पे इसको लगा दिया नट बोल्ट कस दिया इसको यहाँ पे चिपका दिया इस सोल्यूशन जो है चिपकाने के बाद क्या है ये हम पाइप सीधा इसमें खींचिए खींच दिया इसके बाद ये सॉकेट ऐसे डाल दिया बस मतलब ये क्लिप रहती है अब ये क्लिप भी अलग अलग टाइप की आती है कुछ स्प्रिंकलर में ऐसे खींचने वाली आती है कुछ में पूरा राउंड में आती है कुछ में इसे सीधा गोल आती है तो ये बहुत सही है ये इसे डाल दिया बस इसके अंदर रबड़ रहता है ये तो रबड़ रहने से क्या है पानी साइड से लीकेज विककेज नहीं मारता है अब इसके बाद हम आगे स्प्रिंकलर फिट करते हैं आइए देखते हैं तो हमारे किसान भाइयों को कुछ इसके बारे में पता भी होगा लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा जिस जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए खास करके मैं बता रहा हूँ ये जो ये है इसको कैसे फिट करना है कैसे नहीं इसको ये इसे अंदर डाल देना है डाल दिया ये इसका आगे लगा दिया क्लिप हो गया इस तरीके से आसान है एकदम कोई बड़ी बात नहीं है एकदम आसान है फिर इसको यहाँ पे डाल दिए हो गया एक आदमी इसको फिट करके चाहे जहाँ पे इसको ले जा सकता है ये इस तरीके से फिट हो गया एक चीज़ बताना चाहूँगा ये पूरा जो सेटअप है पूरा ये क्लिप के ऊपर है यहाँ पे इसके नीचे स्टैंड है ये देख सकते हैं इस दोनों तरीके से इसे लंबे में स्टैंड होने से ये गिरता नहीं है जब पानी इसमें भर जाता है तो हिलने की कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है एक जगह पे खड़ा रहेगा ये ये स्प्रिंकलर देख सकते हैं तो आगे इस तरीके से हम लोग पूरा सेटअप फिट करते हैं दोस्तों हम लोगों ने एक स्प्रिंकलर वहाँ पर लगा दिया उसके बाद आगे जॉइंट पर नहीं लगाना है सीधा आगे लगाना है मतलब क्यों नहीं लगाना मैं आगे चल के आपको बताता हूँ पानी चालू होने के बाद हर पाइप पे स्प्रिंकलर नहीं लगाना है इसमें ये लग गया उसके बाद सीधा आगे चलेंगे आगे एक छोड़ देंगे यहाँ पे आगे एक लगाएंगे वहां पे ये यह यहाँ पे एक लगा देना इस तरीके से हम लोगों ने पूरा मतलब ये अभी सेट कर दिया एक छोड़ के एक आपने मैंने जैसे मैंने अभी आपको दिखाया उसी तरीके से इसको भी लगाना है यहाँ पे एक लगाया फिर बीच में छोड़ दिया फिर आगे लगाया फिर उसके बाद आगे लगाया तो थोड़ा सा मैं एंड एंड पे स्टॉपर है उसके बारे में बताना चाहूँगा आगे किसान भाई जैसे कि देख सकते हैं हम लोगों ने पूरा सेटअप खड़ा कर दिया है एक दो तीन चार स्प्रिंकलर लगा दिए आखिरी में यहाँ पे एक स्टॉपर लगता है क्योंकि जहाँ पे आपको पानी बंद कर देना है वहाँ पे एक ढक्कन आता है सीधा लगा के उसको भी क्लिप रहती है उसको डाल दीजिए सीधा मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से रहता है ये इसका एंड रहता है ये पानी आ रहा है अभी हम लोगों ने इसका गंदगी निकाला है पूरा इसके अंदर जो गंदगी रहती है ढक्कन के निकालने से पूरा निकाल दीजिए निकालना ज़रूरी है क्योंकि इस पाइप के अंदर चला जाकर स्प्रिंकलर में फंस सकता है छोटा सा छेद रहता है यहाँ पे आगे ऊपर तो पानी से पहले गंदगी निकालना जरूरी है तो इसको लगा के यहाँ पे भी क्लिप डाल दीजिए तो हो गया इस तरीके से पूरा फिटिंग हो जाता है तो हम लोगों ने इसका पूरा फिटिंग कर दिया अब इसके ट्रायल लेते हैं पूरा इसको देखते हैं कैसे चलता है काफ़ी साल बाद मैं भी चला रहा हूँ हाँ चालू कर दीजिए थोड़ा तो इसको पहले पानी आगे से साफ़ कर देना है उसके बाद ही इसको चालू करना है हम लोगों ने साफ़ कर दिया चालू हो गया ये अभी पहले इसको चालू हो जाए तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा पूरा इसका पानी आ रहा है ये पूरा इसी पे वर्किंग करता है जब भी पानी इस दोनों साइड से निकलता है इस पे लड़ता है ये देख सकते हैं पानी इस पे लड़ता है और ये पूरा इसे वर्किंग करता है राउंड टाइप में घूमता रहता है ये तो इसमें गंदगी फंसने की शक्यता मतलब मतलब ज़्यादा चांसेस रहते हैं ये देख सकते हैं प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें आपको कुएँ से नीचे प्रेशर पड़ना ज़रूरी है अगर चार इंच की पाइपलाइन है तो आगे ये ढाई इंच का अगर तीन की भी है ढाई का लेकिन आपकी मोटर पीछे जो है प्रेशर अच्छा आना चाहिए पाँच एच की हमारी मोटर है अभी देख सकते हैं आप प्रेशर तो ये जो कवरिंग एरिया है इसका बीस फीट इधर बीस फीट इधर दोनों साइड में कवर करता है इसलिए हम लोगों ने बीच में एक स्प्रिंकलर नहीं लगाया है तो दोनों साइड से आधा आधा कवर करता है ये पाइप जो है बीस फीट की है पूरी फिर से एक बार बताऊँगा पचहत्तर ढाई ढाई इंची की पाइप है ये बीस फीट इधर बीस फीट इधर ये पानी गिराता है पूरा तो ये देख सकते हैं आप तो यही फायदा इसके देख सकते हैं जिस तरीके से पानी नीचे गिरता है तो पौधे नीचे से पूरे धुल जाते हैं धुल जाने की वजह से क्या होता है साफ सुथरा आपका रहता है पौधा और ग्रोथ अच्छी होती है जो भी आप फसल कर रहे हैं आपके खेत में फसल अच्छी रहती है तो मैं इसके और भी टाइप्स काफ़ी सारे आते हैं जैसे कि ये जो है साढ़े चार फिट का पाँच फीट का भी आता है और इस पाइप से छोटे छोटे स्प्रिंकलर निकलते हैं आगे चल के मतलब जैसे कि छोटे छोटे मिस्टर्स टाइप में इसमें लगते हैं काफ़ी सारे टाइप्स इसमें आते हैं आप इसको जो है अगर आपका लंबे में खेत है तो ये सेट पूरा तीस पाइप का आता है तो आप एक लंबे में बिछा के बीस बीस फुट का एरिया पूरा कवर कर सकते हैं किसान भाइयों तो जिस हिसाब का आपका जिस हिसाब से आपका खेत है अगर लंबे में है चौड़े में है उसी हिसाब से आपको ये पाइप फिट करके आप इससे पानी दे सकते हैं इसमें एल्बो भी लगा सकते हैं चाहे इधर पानी घुमा सकते हैं इधर घुमा सकते हैं अगर चौड़े में खेत है आपको एक बार वहाँ पे सींच दिया फिर इधर सींच दिया अगर डेढ़ दो घंटा इसको चला देंगे आपका बरसात की तरह पूरा फसल में जितनी ज़रूरत है बहुत भीग जाएगा ज़्यादा भिगोएंगे तब भी दिक्कत है इससे अच्छा एक डेढ़ घंटा भिगा दीजिए बहुत है जिस हिसाब से ये पानी मारता है जिस हिसाब से आपका प्रेशर कुए से मतलब अच्छा अगर मोटर का है तो अच्छा पानी ये मारेगा अगर इसमें मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस इसमें कुछ नहीं है केवल आपका जो ऊपर का स्प्रिंकलर है जो घूमता है उसके अंदर अगर कचरा फंस गया तो रुकता है उसमें स्प्रिंग रहती है ऊपर वो बस स्प्रिंग ख़राब हो जाती है आपको अलग से भी वो मिलता है आपको उसके खोल के उसको भी आप बना सकते हैं आसानी से कोई दिक्कत नहीं है और इसमें मेंटेनेंस कुछ ज़्यादा नहीं है पाइप तो पाइप तो सालों साल इसमें कुछ नहीं होगा अगर इसके लाइफ की बात करें तो लाइफ इसकी अच्छी लाइफ है पूरा लोहा यूज़ हुआ है और उसके बाद नीचे पाइप जो एकदम हार्ड पाइप है कुछ नहीं होगा उसको दस पंद्रह साल तक तो आर आसानी से चला सकते हैं इसका और उपयोग भी आप कर सकते हैं अगर आपको पानी कहीं ले जाना हो तो केवल डायरेक्ट लगा के आप इधर से उधर पानी ले जा सकते हैं काफ़ी किसान भाई हमारे यूज़ कर भी कर भी रहे होंगे ऊपर से पानी इधर उधर पूरा उसका सप्लाई करने के लिए हम लोग कर सकते हैं मतलब टू इन वन है जहीं खेत पे पानी ले जा भी सकते हैं स्प्रिंकलर से उड़ा भी सकते हैं तो काफ़ी सारे इसके फायदे ये हैं हर चीज़ से इसका फ़ायदा मुझे समझ में आता है आप पानी की बचत हो रही है फसल अच्छी आ रही है हर तरीके से फ़ायदा हो रहा है तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा हमारी भारत सरकार जो है पानी की बचत होने के लिए अपना भारतीय जल स्तर पानी का बढ़ने के लिए इसको प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी भी दे रही है आप उस सब्सिडी का जो है लाभ ले सकते हैं आपके कृषि विकास अधिकारी जहाँ पे है कार्यालय जहाँ पे है वहाँ पे जा सकते हैं उनसे बातचीत करके पूरा वहाँ पे ब्यौरा ले सकते हैं वहाँ पे बात करके कितना इसमें सब्सिडी मिलती है क्या मिलती है तो इसके प्राइस की मैं बात करना चाहूँगा ये जो सेट है पूरा तीस पाइप का सेट है दस कलर इसमें ये बीस बाईस हज़ार के आसपास अभी मिलता है आपके एरिया वाइज इसका रेट अलग अलग भी हो सकता है किसान भाइयों तो दोस्तों मैं इतना आपको कहना चाहूँगा कि जलीय जीवन है तो पानी को थोड़ा बचाने की कोशिश करिए ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए हमारे काफ़ी किसान भाई इसको यूज़ कर भी रहे होंगे फिर भी मैं आप बता रहा हूँ क्योंकि जिसको पता नहीं है जहाँ पे जानकारी नहीं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ तो किसान भाइयों ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स खाली है मैं भी आपके सेवा के लिए खाली हूँ तो ये वीडियो लाइक शेयर कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद